मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने लोकसभा चुनाव के 30वें चरण के चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के 30वें चरण का मतदान 7 मई को होना है, जिसमें एक दिन शेष है। 30वें चरण में 7 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोयबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर शामिल है। 30वें चरण के चुनाव में कुल 15,701 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इन 7 सीटों में 1,39,00,000 मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कल राज्य में अवकाश घोषित किया गया। सुरक्षा बलों के साथ पुलिस की भी तैनाती की गई है। साथ ही मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र में कूलर, पंखा और पानी, सभी चीजों की व्यवस्था की गई है। कल जो है मतदान का समय सुबह 7 से 6 बजे तक रहेगा। विगत लोकसभा 2019 से अब जो है कुल मतदाताओं की संख्या में 9.3% बढ़ोतरी हो गई है और आज मतदाताओं की संख्या है 1,39,01,285। जो हमारे प्रथम चरण के मतदान हुआ था लोकसभा का, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य में विगत लोकसभा चुनाव से 2.25% जो है अधिक मतदान हुआ है।